अब टाइम आ चुका है कि आपको रोज चैनल पे बने रहना चाहिए। और अगर आपने अभी तक बेल आइकन क्लिक नहीं किया, ये तो मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैं एडिट कर दूंगा बाद में। हाँ, लास्ट वाली लाइन को शुरू में डाल दूंगा मैं। अगर आपने अभी तक बेल आइकन क्लिक नहीं किया है तो क्लिक कर लीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे तिर्रम भर्राट, यानी कि बिजली की गति से। जैसे ही मेरा कोई कंटेंट या स्ट्रीम चालू हो, आप तक बिजली की गति से यानी कि तिर्रम भर्राट नोटिफिकेशन पहुंचे। जी हाँ, बैम बूम ब्रीम। दोस्तों कैसे हो, क्या पोजीशन है? बहुत बहुत थैंक्स आज के इस वीडियो से जुड़ने के लिए। क्या बात है, कोई तो आया गेम यार बड़े ही टाइम बाद, जो कि अच्छा लगा। गेम्स तो काफ़ी आए वैसे पबजी के बाद, पर जो कि अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा एडिक्टिव है खेलने में, और बहुत ही नया टेक है बैटल रॉयल जॉनर को लेकर, और बैटल रॉयल जॉनर के अराउंड बहुत ही ज़बरदस्त टेक। कुछ एलिमेंट्स आपको फोर्टनाइट के ज़रूर मिल सकते हैं, पर ऑल इन ऑल एपिक्स लेजेंड की अपनी पहचान बन चुकी है, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। तो फाइनली मेरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है और मैं रिकॉर्डिंग ऑफलाइन वीडियोस प्लस स्ट्रीमिंग कर सकता हूं, पर अभी फेस कैम लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें सेटअप करना बाकी हैं। तो बिना फेस कैम के मैं स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने वाला हूं कल से। और आज ये एपिक्स लेजेंड का जो वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा समझिएगा, और मुझे ज़रूर आप लोग बताना कि आप एपिक्स लेजेंड के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं क्या, जहाँ पे हम क्लासेस और अलग अलग हीरोज के बारे में बात करेंगे, और गेम प्ले के साथ ना, उन उस पर्टिकुलर हीरो के गेम प्ले के साथ हम बात करेंगे। तो यही है, और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कम बैक करने के लिए। कम बैक ये थोड़ी ये अनऑफिशियल कम बैक है, क्योंकि एग्जिट भी अनऑफिशियल था, और ऐसा कोई मेन रीज़न नहीं था एग्जिट करने का, क्योंकि हाँ, क्योंकि आप नए घर में जाते हो, तो मुझे लग रहा था कि जाने के बाद में पुताई उताई हो गई और बस चले जाओ वहाँ पे और अपन रहने लग जाओ। पर यार मेन काम तो साला बाद में शुरू होता है, कि अगर आपकी पुताई पुताई मतलब पेंट, यार कई बार क्या होता है, देसी आदमी हम देसी बात करते हैं, पुताई हो गई एक बार आपके यहाँ तो फिर पेंटिंग का काम शुरू होता है, सॉरी पुताई हो गई एक बार पुताई हो गई तो पेंटिंग का काम शुरू होता है, नहीं 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 एक बार अगर आपकी पुताई हो गई उसके बाद जो क्लीनिंग का काम शुरू होता है ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम खाता है। मैंने सोचा ही नहीं था कि जो नीचे के हमारी जो टाइल्स होती है, टाइल्स जो वॉल से जाके लगती है, वहाँ पे भी जो मतलब ऑल इन ऑल जो पेंटिंग के बाद, पेंट के बाद, पुताई के बाद घर में जो यहाँ वहाँ दाग धब्बे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम खाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि यार पेंट वेंट हो गया है, बढ़िया पुताई हो गई, घर में जाओ मस्ती से, अब काम चालू कर सकते हैं हम, और पीसी ऑन करके मैं बैठ सकता हूँ। पर ऐसा था नहीं भाई, पीसी ऑन करके मैं बैठ नहीं सकता था, क्योंकि जब आप का काम चालू होता है ना, ये जो माइनर एकदम निम्बल वर्क होता है, ये बहुत ही स्किल चाहिए सही में। हाँ, क्योंकि आपको कलर का जो लास्ट बॉर्डर है वो भी ख़राब ना हो जाए, उसको भी बचाना है, प्लस आपको जो दाग धब्बे पड़े हैं उसकी सफाई करनी है, वो तो करनी ही है, प्लस मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। तो फाइनली सब कुछ सेट और इंटरनेट भी परफेक्टली कॉन्फिगर हो चुका है। तो ये थी मेरी स्टोरी, और अब हम बैक टू वर्क लौटेंगे, स्ट्रीमिंग में लौटेंगे, वीडियोस में लौटेंगे, डेली की तरह, डेली की तरह, डेली डेली करता हूँ काम है भगवान। ज़्यादा कुछ बात करने के लिए दोस्तों इस वीडियो में रहने नहीं वाला, मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था इस वीडियो को बनाने के लिए। हालांकि मैं जब ऑफलाइन खेला कर रहा था, तो ये जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं पिक्स लेजेंड की, तो अभी मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आज सुबह जाके मुझे एडिटिंग करने का टाइम मिला है, क्योंकि जो छोटा मोटा काम था जिसमें से धूल उड़ा करती थी, तो मैं नहीं चाहता कि धूल उड़े, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने पीसी को एकदम साफ चकाचक करके अंदर से एकदम पूरा खोल के हर जगह से साफ कर कुरा के मैं उसको यहाँ पे लेके आया था नए घर में। तो मैं नहीं चाहता था कि छोटी मोटी का यहाँ पे काम हो, उससे धूल जो उड़े वो फिर से पीसी के अंदर जाए। तो मैं सोच रहा था कि सब सारा काम यहाँ पे हो जाएगा जो कि सफाई से रिलेटेड है, और डेकोरेटिव पर्पस की तो बाद में बात आती है, जो सफाई से रिलेटेड काम है वो एक बार हो जाए तो फिर मैं अपना एडिटिंग का काम स्टार्ट करूँगा, वरना कोई मतलब नहीं है कि मैं यहाँ वहाँ चल रही है काम और मैं अपना पीसी से पर्दे वर्दे हटा दूँ, या फिर चादर थी एक्चुअली, पर्दे तो थे ही नहीं, और तो मैं चादर वादर हटा दूँ और फिर सारा धूल वापस से पीसी में जाए, वो मैं चाहता नहीं था। पर मेरे ना चाहने के बावजूद भी अभी मुझे 5 घंटे हो चुके हैं पीसी पे बैठे हुए, और आई कैन सी धूल ऑलरेडी, धूल दिख रही है यार, क्या कर सकते, धूल ऑलरेडी दिख रही है। और मैं आप सभी के सीनों में जो गुदगुदाहट चल रही है उसको महसूस कर पा रहा हूँ, तो और मेरे सीने में जो गुदगुदाहट चल रही है वो भी आप महसूस कर पा रहे होंगे होपफुली। ऐसा नहीं होता तो कनेक्शन बनता कैसे ना, बना हुआ है ना इसीलिए, तो क्योंकि मैं यस फील कर पा रहा हूँ। और एक बार फिर से FBA का रॉकेट बस लॉन्च होने ही वाला है,
और साला इस बार ऐसा लॉन्च होगा कि लॉन्चा ही लॉन्च होगा, लॉन्चा ही लॉन्च। और एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, आप इसमें पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की अगर वीडियो देखना चाहते हैं, एक एक जितने भी हीरोज़ हैं उनका गेम प्ले और उनके उनका गेम प्ले और उनके बारे में आप कंटेंट देखना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एपेक्स लेजेंड वॉक कर दूंगा मैं, भगवान मैं सोच रहा था साला गेम कहीं ये एपेक्स झंड ना निकल जाए, एपेक्स लेजेंड, पर ऐसा नहीं हुआ यार, ये गेम निकला एपेक्स लेजेंड। सच में गेम बहुत अच्छा है, मज़ा आई मुझे, और मैं आप लोगों को भी चार्ज अप करता हूँ कि खेलो ये गेम, बहुत ज़बरदस्त गेम है, मज़ा आ गई मुझे। तो बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मैं चलता हूँ, आप लोग इस वीडियो के मज़े लीजिए, भगवान। Reloading. Whole unit KIA. Damn, I'm good. Good job. Down. Reloading. Whole squad down. Enemy spotted. Fire. This whole squad has been dealt with. Marking our surroundings. Reloading. Surrounding hostile. More enemies down. Reloading. The ring is close. Reloading. An entire unit. Hell yeah.